आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एकदम हलवाई के जैसी, अंदर से एकदम रस भरी और ऊपर से एकदम खास्ता चंद्रकला की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप इसे एकदम सही माप और ट्रिक के साथ अगर बनाएंगे तो यकीन मानिए आपकी भी चंद्रकला एकदम परफेक्ट बनेगी। तो चलिए हम आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बड़े बाउल में 1.5 कप मैदा लेंगे। आप जितने भी क्वांटिटी में बना रहे हैं आप उसके हिसाब से मेज़र कर लें। तो देखिए मैंने यहाँ 1.5 कप मैदा ले लिया है। अब साथ ही हम इसमें 4 बड़ी चम्मच घी डालेंगे। आप घी के जगह तेल भी डाल सकते हैं लेकिन घी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो घी डालने के बाद हम मैदे में अच्छे से घी को एकदम मसल मसल के अच्छे से मिला लेंगे। आप जितने अच्छे से इसे मिलाएंगे आपकी डो उतनी ही अच्छी बनेगी। तो देखिए बस कुछ ही मिनटों में मैंने एकदम अच्छे से घी को मैदे में मिला लिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हम ऐसे मुट्ठी को बांध करके एकदम हल्के हाथों से देखेंगे तो देखिए ये मुट्ठी में बंध रहा है। इसका मतलब है जो हमने इसमें मोयन डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए इस तरीके से हो, अगर ना हो तो आप थोड़ा सा इसमें मोयन और डाल लें और फिर साथ ही थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसकी डो बनाकर रेडी करेंगे। हमें इसकी डो को ना ही ज़्यादा सॉफ्ट और ना ही ज़्यादा सख्त रखना है। ये देख सकते हैं आप, मैंने इसकी डो को एकदम गूंथ करके अच्छे से रेडी कर लिया है। ये देखिए ये ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही ज़्यादा एकदम हार्ड है। तो अब हम इसे ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे। तब तक के लिए हम इसकी फिलिंग बनाकर रेडी करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 150 ग्राम खोया लिया है। ये मैंने खोया मार्केट से लिया है, आप चाहें तो घर के भी खोया से बना सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा मिठास के लिए 2 बड़ी चम्मच चीनी का पाउडर डालेंगे और साथ ही इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो मैंने यहाँ 4 से 5 बादाम को ऐसे बारीक काट करके ले लिया है और साथ ही काजू को भी मैंने 5 से 6 काजू को ऐसे बारीक काट लिया है और साथ ही हम थोड़ा सा 1 बड़े चम्मच के करीब किशमिश डालेंगे। और अगर आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद ना हो तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही इसमें अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए हम 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर को बुक के डालेंगे। तो देखिए सभी चीज़ों को अच्छे से डालने के बाद हम इसे बहुत ही अच्छे से मिला लेंगे। आप इसे चम्मच की मदद से या फिर हाथों की मदद से अच्छे से मिला लें। तो देखिए मैंने यहाँ हाथों से अच्छे से मिला लिया है। तो लीजिए हमारा फिलिंग भी बन करके बिल्कुल रेडी है। तो अब इसे हम साइड में रखेंगे और अपनी चाशनी बनाने की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे एक बड़े बर्तन में मैंने 1.5 कप चीनी लिया है। जितना मैंने 1.5 कप मैदा लिया है उसके हिसाब से मैंने यहाँ 1.5 कप चीनी लिया है चाशनी के लिए। आप अपने हिसाब से भी चाशनी को बना सकते हैं। और उसके बाद हम इसमें 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें पानी डालेंगे। हमें ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालना है और साथ ही हम फ्लेवर के लिए यहाँ पे कुटा हुआ इलायची डालेंगे और साथ ही कुछ केसर के धागे डालेंगे और गैस को ऑन करके हम इसे एकदम लगातार अच्छे से चलाएंगे। तो मुझे इसे चलाते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें अच्छा सा एक उबाल आ चुका है। तो हमें इस चाशनी में तार नहीं बनाना है, बस हमें इस चाशनी को थोड़ा ये चिपचिपा हो जाए एकदम वैसे ही रखना है। ये देखिए ऐसे उंगली पे लेकर के देखेंगे ये चिपचिपा है, इसमें कोई भी तार नहीं बन रही है। तो हमारी चाशनी रेडी है। तो चलिए अब चलते हैं हम आगे की प्रोसेस पे। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो डो है वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसे हाथों से ऐसे रोल कर लेंगे और थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक लोई को इतने बड़े साइज़ में तोड़ेंगे और उसके बाद हाथों पे एकदम अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे ऐसे घुमाते हुए। और इसे हमें बेलना है जैसे हम रोटी को बेलते हैं, बिल्कुल वैसे ही बेलना है। तो देखिए मैंने यहाँ एकदम इसे अच्छे से बेल लिया है। आप इसे जितना बड़ा बेल सकें आप उतना बड़ा इसे बेल लें। तो देखिए मैंने इसे यहाँ पे इतना ही साइज़ रखा है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे एकदम इक्वली साइज़ में कट करने के लिए हम किसी भी ग्लास या फिर कटोरी या फिर कोई भी कटर की मदद से इसे हम अच्छे से कट कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये बहुत ही आसानी से कट जाता है और बहुत जल्दी हो जाता है। तो सभी को हम अच्छे से कट कर लेंगे ये देखिए, और जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट हैं उसे हम निकाल करके अलग कर लेंगे। तो सभी को हम एकदम राउंड शेप में अच्छे से कट कर लेंगे ये देखिए।
तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने मावा का फिलिंग बना करके रेडी किया था उसको ऐसे राउंड शेप करके ताकि इसमें सेट करने में आसानी हो, और इस तरीके से ऐसे बीच में रखेंगे और दूसरी पूड़ी को लेकर के हम इसके ऊपर रखेंगे और साइड साइड से इसे हम उंगलियों की मदद से इसे बंद करते जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। अब हम इसे हाथों में उठाएंगे और इसे अच्छे से चपटा करेंगे साइड साइड के पोर्शन को। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सील कर देंगे और इसे डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले ऊपर को ऐसे उठाएंगे और नीचे ऐसे दबा करके फोल्ड करेंगे, ऊपर से ऐसे लेंगे और नीचे दबाएंगे, फिर से फोल्ड करेंगे और सेम प्रोसेस से हम ऐसे करते जाएंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा, लेकिन इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप एकदम ध्यान से देखेंगे तो ये आपका भी एकदम परफेक्ट बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने एकदम परफेक्टली इसे बना करके रेडी किया है। आप इसके डिज़ाइन को देख सकते हैं, ये कितना परफेक्ट दिख रहा है। तो चलिए मैं आपको दूसरी बार भी बना करके दिखाती हूँ। तो फिर से हम ऐसे एक पूड़ी को लेंगे और बीच में खोया को रखेंगे और फिर दूसरी पूड़ी को लेंगे और ऐसे सभी तरफ से हम इसे अच्छे से उंगलियों की मदद से सील कर देंगे। और देखिए फिर से हम ऐसे ऊपर से उठाएंगे और नीचे में ऐसे प्रेस करते हुए फोल्ड करेंगे और लास्ट में इसे सील करने के लिए हम अच्छे से दबा करके इसे अच्छे से बंद कर देंगे ताकि हमारा चंद्रकला खुले नहीं। तो देखिए सभी चंद्रकलों को मैंने बना करके रेडी कर लिया है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये कितने सुंदर दिख रहे हैं। तो चलिए इसे फ्राई करने के लिए चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे तेल गर्म पहले से ही कर दिया था। यहाँ पे हमारा तेल ना ही ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, मीडियम गर्म होना चाहिए। तो इसे डाल करके एक बार में आप जितना फ्राई कर सकें आप उतना ही डालें, और डाल करके हम इसे हल्का सा ऐसे अलग कर लेंगे। और देखिए बस 3 से 4 मिनट के बाद हमारे चंद्रकला बिल्कुल तेल के ऊपर आ चुके हैं। तो अब इसे हम हल्के हाथों से दूसरी तरफ भी पलट करके अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि हमारा चंद्रकला दोनों तरफ से एकदम अच्छे से फ्राई हो। ये देखिए 2 से 3 मिनट के बाद ये कैसे पूरे गुब्बारे की तरह फूल चुके हैं। यहाँ पे हमने ना ही बेकिंग सोडा और ना ही बेकिंग पाउडर यूज़ किया है। तो देखिए मुझे यहाँ से फ्राई करते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो हमारे चंद्रकला बिल्कुल दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसे हम गर्मा गर्म डायरेक्ट चाशनी में डालेंगे, और चंद्रकला डालते टाइम चाशनी भी हमारी गर्म होनी चाहिए, तभी वो अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब करेगी। तो सभी को चाशनी में डाल करके हम चम्मच की मदद से ऐसे चाशनी में अच्छे से सबको डुबा देंगे ताकि ये चाशनी अच्छे से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। और इसे बेस्ट रिजल्ट के लिए हम 1 घंटे के लिए चाशनी में डुबो करके रख देंगे ताकि चाशनी एकदम अंदर तक जाए और चंद्रकला एकदम रसीले बने। तो देखिए मुझे यहाँ इसे 1.5 घंटे हो चुके थे रखे हुए। ये देखिए अपने अंदर चाशनी कितनी अच्छी से एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब इसकी हम प्लेटिंग कर लेंगे, और देखिए सभी चंद्रकलों को मैंने प्लेट पे निकाल लिया है, और इस पर थोड़ा सा चाशनी ऐसे ऊपर से डाल देंगे ताकि ये एकदम रसीले दिखें और ये चंद्रकला और भी सुंदर दिखें। तो उसके लिए मैंने एकदम बारीक कटा हुआ पिस्ता इस पर गार्निश किया है। आप यहाँ पे बादाम, काजू किसी चीज़ से भी गार्निश कर सकते हैं। तो लीजिए हमारा एकदम रस भरा चंद्रकला बन करके बिल्कुल रेडी है। तो मैं यहाँ एक तोड़ करके दिखाती हूँ ये कितने अच्छे बने हैं। ये देखिए एकदम चाशनी अंदर तक गई है और ये एकदम खास्ता बने हैं, और मावा की भी फिलिंग देख सकते हैं आप एकदम भर भर के है। तो इसे बाज़ार से ख़रीदने से अच्छा आप इसे एकदम हेल्दी तरीके से घर पे बना करके एंजॉय करें, इसे बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे। तो फ्रेंड्स एक बार मेरे तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर से बनाएं, और अगर आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी वीडियो शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं हम एक न्यू रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में।